नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं पीबीआर स्टडी। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपने फ़ोन में ईमेल आईडी जोड़ेंगे और कैसे किसी चैनल को सब्सक्राइब करें और कैसे गूगल की सभी सुविधाएं जैसे यूट्यूब और इसके अलावा गूगल प्लस और गूगल से जुड़ी हर एक सुविधा का लाभ आप बिना ईमेल आईडी का नहीं ले सकते अगर आपने नया फ़ोन ख़रीदा है। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में ये देखिए जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे आप। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऐसे आ जाएगा, इधर साइड में आपको दिखेगा ये ऐसे कुछ बहुत सारी सेटिंग दिखेंगी। इसमें आपको सबसे नीचे खिसका के जाना है। देखिए वाईफाई होगा, ब्लूटूथ, फ्लाइट मोड, हॉटस्पॉट वगैरह। सबसे नीचे आप जब जाएंगे इसमें ड्रैग करते हुए ये ऐसे ये सब आपके एक दूसरे के नीचे आता जाएगा। इसमें आप एक जगह अकाउंट पाएंगे। अकाउंट जब आप इस अकाउंट पर क्लिक करोगे ना तो क्या आएगा पता है? ऐसे अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में आएगा ये ऐड अकाउंट, क्योंकि आपका फ़ोन नया होगा तो आपके कोई अकाउंट जुड़ा नहीं होगा तो ऐसे आएगा ऐड अकाउंट। तो इसमें जब आप क्लिक करोगे ऐड अकाउंट पे तो क्या आएगा पता है? मैं बता रहा हूँ, देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आप कौन सा अकाउंट ऐड करना चाहते हो इसमें। जैसे सैमसंग का अकाउंट ऐड करेंगे हम या फिर इसमें DU गूगल का, तो आप कहीं नहीं आप केवल गूगल पर क्लिक करेंगे। किस पे? गूगल पर क्लिक करेंगे, मतलब आप गूगल अकाउंट ऐड करना चाहते हैं। फिर गूगल आपके फ़ोन की इन्फॉर्मेशन चेक करेगा, ऐसे आएगा। आप 5 सेकंड 10 सेकंड इंतज़ार करेंगे, आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है। उसके बाद फिर ऐसे पूछेगा योर गूगल अकाउंट, मतलब ईमेल आईडी पूछेगा और पासवर्ड। तो आप सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी को इंटर करोगे। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद जब आप ओके करेंगे तो क्या होगा उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। आपसे पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड डालोगे, ठीक है। जब पासवर्ड आप इंटर करेंगे तो देखिए बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा क्या आएगा। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप बना सकते हैं, अगर है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ इंटर कर देंगे। उसी एक ही खाने में आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जब आप पासवर्ड इंटर करेंगे तो ऐसे आएगा और उसके बाद फिर आपका अकाउंट लगभग में कन्फर्म हो जाएगा, मतलब कम्प्लीट हो जाएगा। फिर आपसे यहाँ पर कुछ पूछा जाएगा, यस आई एम इन, यहाँ से आपसे कंफर्म पूछा जाएगा, लास्ट में वेरीफाई होगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे, बस आपका मोबाइल नंबर जो है आपके अकाउंट में खाते में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आप ये जानकारी समझ गए। अब हम आपको बताएंगे अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप क्या करेंगे। देखिए अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो मैं आपको सिंपल सा फॉर्म बता देता हूँ कैसे आप फिल करेंगे, कैसे आप ईमेल आईडी बनाएंगे। देखिए लास्ट में फाइनल में एग्री पूछेगा जब आप पासवर्ड वगैरह डाल दोगे, तो बस इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, ईमेल आईडी बनाएंगे कैसे? जब आप क्रिएट न्यू ईमेल आईडी पर क्लिक करोगे ना तो आपके पास क्या आएगा मैं दिखा देता हूँ। देखिए क्रिएट न्यू ईमेल एड्रेस जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म आएगा, ऐसे नाम भरने के लिए जिसपे आप पहला नाम भरेंगे, जैसे अनुज सिंह मैंने भरा है। नाम भरकर जब आगे बढ़ेंगे तो आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आपकी जन्मतिथि क्या है, उसको आप भरेंगे, मंथ में मंथ और डेट में डेट, ईयर में ईयर, जेंडर लगा देंगे मेल या फीमेल क्या है। फिर आपसे पूछेगा आप कौन सी ईमेल आईडी बनाना चाहते हो। जैसे आपका अनुज सिंह नाम है तो आप लिखेंगे anujsingh@gmail.com, लेकिन अगर अनुज सिंह किसी ने ले लिया है तो नहीं लेगा। जैसे देखिए मैंने बनाया था अनुज सिंह और 1@gmail.com, लेकिन ये बनता है कि नहीं, आप नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। जब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा पता है? देखते हैं। देखिए इस ईमेल आईडी को अगर किसी ने ले लिया तो नहीं बनेगा, नहीं तो ये बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे नहीं है, लग रहा है गायब हो गया है ना। तो वो ईमेल आईडी जो है किसी ने ले लिया है तो वहाँ से पूछेगा आपसे कि ईमेल आईडी आप नहीं बना सकते हो। उसके बाद आप नीचे क्लिक करोगे तो देखिए वो नहीं लिया, तो मैंने अनुज सिंह 01 लगाया। अब 01 पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए एग्री हो जाएगा इससे और ये बन जाएगा। फिर नीचे पूछेगा यू आर हैव इन कंट्रोल, नीचे ये आप एग्री कर दोगे, नीचे यहाँ पे एग्री एग्री पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट में बोलेगा थैंक यू अनुज, आपका ईमेल आईडी कम्प्लीटली बन चुकी है, अब आप इसमें क्या क्या लाभ ले पाओगे, गूगल प्ले स्टोर, ईमेल, मैप, यूट्यूब और ड्राइव, इतना कुछ चीज़ें आप बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये था तरीका। आपकी ईमेल आईडी बाद में अकाउंट सेक्शन में दिखने लगेगी, anuj30513@gmail.com जैसे दिख रहा है। तो ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें पीबीआर स्टडी और बेल आइकन ऑन करें जिससे कि आप टेक्नोलॉजी और स्टडी के वीडियो को देख